गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट बिजनेस स्टडी क्लास। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट नेचर ऑफ बिजनेस। टुडे वी विल कंटिन्यू। फर्स्ट है प्रॉफिट, द कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस रिस्क। अब देखिए, प्रॉफिट जब भी क्या होता है, हमको रिसीव होगा, प्राप्त होगा, तो हमारा वो एक प्रकार से प्रतिफल है या कोई भी चीज़ का रिजल्ट है। तो जैसे ही व्यक्ति को प्रॉफिट होता है तो वो क्या करता है, और अधिक प्रॉफिट कमाने की सोचता है। बिजनेस में हमेशा रिस्क लेते हैं जब भी हमको प्रॉफिट गेन होगा। नो गेन विदाउट रिस्क। हम जब जब रिस्क लेंगे तब तक हमको प्रॉफिट रिसीव होता रहेगा। इसलिए ये प्रॉफिट क्या है, एक प्रकार का कंसिडरेशन है या कि प्रतिफल है या रिजल्ट होता है हमको प्रॉफिट कोई भी चीज़ को रिसीव करने का। तो प्रॉफिट भी इसमें रिजल्ट ही है, और बिना जोखिम के हमको कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं होती। फॉर एग्जांपल, यदि हमको कुछ चीज़ सीखना है तो हमको उसमें क्या करना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा लगातार, और जब तक कि हमको वो चीज़ प्राप्त नहीं होगी, हम लगे रहेंगे तो हमको वो चीज़ क्या होगी, प्राप्त होती जाएगी, और यदि हमने छोड़ दी तो क्या होगा, हमको वो चीज़ प्राप्त नहीं होगी। और यदि हमको कोई चीज़ प्राप्त करना है तो हमको उसमें क्या करना पड़ेगा, रिस्क तो लेना पड़ेगा। जैसे हम साइकिल चलाते हैं या छोटा बच्चा चलना सीखता है, तो जब भी वो चलता है तो 25 बार वो क्या करता है, गिरता जाता है। और यदि वो सोच ले कि हम गिरेंगे तो वो क्या करेगा, चलना बंद कर दे, तो वो कभी चलना नहीं सीखेगा। वैसे ही प्रॉफिट भी ऐसा ही है। यदि कोई व्यक्ति ये सोच ले कि हमको क्या करना है, कि हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, तो वो कभी भी प्रॉफिट गेन नहीं कर सकता। अब सेकंड पॉइंट है इसमें, सम टाइम एविडेंस ऑफ रिस्क गिव रिस्क टू रिस्क। यानी कभी कभी हमको क्या करना पड़ता है, रिस्क के ऊपर रिस्क लेते जाना पड़ता है। और यदि हम रिस्क में रिस्क नहीं लेंगे तो ये क्या करेंगे, हम कभी भी प्रॉफिट को गेन नहीं कर सकते। और कभी कभी ये भी होता है कि लोग रिस्क से बचने के लिए और क्या करते जाते हैं, रिस्क लेते जाते हैं प्रॉफिट कोई भी कमाने के लिए। यदि हम रिस्क से बचेंगे तो कभी हम आगे नहीं बढ़ सकते, और यानी हमको रिस्क लेते जाना ही पड़ेगा। एक गलती करते गए तो गलती के ऊपर गलती हम करते चले जाएंगे। इसलिए क्या करना पड़ेगा कि कभी कभी क्या करते हैं बिजनेसमैन, कि कम करने के लिए, यानी रिस्क को कम करने के लिए वो क्या करता है, कोई स्टेप ही नहीं उठाता। तो क्या होगा, यदि हम स्टेप नहीं उठाएंगे तो और उल्टा रिस्क बढ़ता ही जाएगी, हम जोखिम पे जोखिम लेते जाएंगे। फॉर एग्जांपल, यदि कोई बिजनेसमैन अपनी कोई चीज़ को या कीमत में कमी कर देता है ना, जैसे 100 रुपीज़ की चीज़ बेच रहा है वो, तो किस में बेच देगा, 80 रुपीज़ में। अब दूसरा व्यापारी है वो भी कीमत कम कर देगा, तो क्या होगा, अब जब दूसरा व्यापारी है जो कीमत, किंतु जब दूसरे व्यापारी ने कीमत नहीं घटाते हैं तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में वो व्यापारी जिसने कीमत कम कर दी है तो क्या होगा, लाभ जो रहेगा अनावश्यक ही कम हो जाएगा। अगर हमने कम कर दी, हम सोचेंगे हमारा सामान बिकेगा, और दूसरे व्यापारी ने नहीं की और उससे तीसरा हुआ तो उसने नहीं की, तो क्या होगा, हमको ही क्या करना पड़ेगा, लॉस को गेन करना पड़ेगा। इसलिए व्यक्ति क्या करता है, एक गलती के पीछे दो दो तीन तीन गलती करता जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए, रिस्क से बचना नहीं चाहिए, ठीक है। यदि आप थोड़ा बहुत रिस्क करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। अब थर्ड नंबर पे बताया गया है, डिग्री ऑफ मोनोपोली एफेक्ट बिजनेस रिस्क। यानी कोई भी चीज़ को मोनोपोली यानी होता है किसी भी चीज़ का, यानी एकाधिकार, ठीक है। तो इसमें क्या होता है
कि यदि एक व्यक्ति वो बिजनेस कर रहा है तो ज़्यादा रिस्क नहीं रहता बिजनेस में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी कोई एरी में दुकान है तो एक ही व्यक्ति की दुकान है तो वही बिजनेस में क्या करता रहेगा, प्रॉफिट को गेन करता रहेगा, उसको बिल्कुल माइनर रिस्क रहेगा क्योंकि उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। और यदि दूसरा व्यक्ति हो गया कॉम्पिटिटर तो क्या होएगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा और रिस्क गेन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा कि उसकी मान लीजिए शूज़ की दुकान है और वो क्या करेगा, अपने सामान को बेचने के लिए, सामने वाले की ज़्यादा बिक्री हो रही है तो वो क्या करेगा, अपने सामान को बेचने के लिए उसमें क्या करेगा, डिस्काउंट देगा लोगों को, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, लॉस को गेन करना पड़ेगा। इसलिए क्या है कि जब भी हमारी क्या होगी, मोनोपोली रहेगी या कोई भी चीज़ में एका अधिकार रहता है तो बिजनेस में रिस्क कम से कम रहती है। अगर दो तीन व्यक्ति हमारे कॉम्पिटिटर रहेंगे तो क्या होगा, हमारे बिजनेस में रिस्क कम रहेगा, ठीक है। इसलिए लोग ऐसे एरिए में अपना बिजनेस प्रिफर करते हैं चलाना कि जिसमें कि हमारा दूसरा कॉम्पिटिटर ना रहे, ठीक है। परंतु बिजनेस है तो उसमें तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा, है ना, नो रिस्क नो गेन। अब देखिए फोर्थ नंबर पे दिया है अनसर्टेनिटी गिव रिस्क टू रिस्क। अब हमको क्या करना पड़ेगा, कोई भी अनिश्चितताएँ जो हमको मालूम नहीं है कि निश्चित ही ये चीज़ें होने वाली है तो वो क्या करती हैं, अनिश्चितताएँ हमेशा रिस्क को क्या करती है, जन्म देती जाती हैं, ठीक है। अब हमको यदि एक चीज़ की अनिश्चितता रही, जैसे कि क्या हो गया, प्राकृतिक कोई भी विपदा आती है, अब प्रकृति से कोई भी चीज़ आ रही है तो हम इसको नहीं रोक सकते, ठीक है ना। और ये क्या है, मेन आधार है, बेस है उसका अनसर्टेनिटी। और प्राकृतिक चीज़ें जितनी भी होती है तो उसको कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता, जैसे कि बाढ़ आ रही है, भूकंप आ गया, तूफान आ गया, या ओलावृष्टि हो गई, आग लग गई, या कोई महामारी हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्या थी, कोरोना, तो किसी ने रोक पाया क्या, वो बढ़ती चली गई, या विस्फोट हो गया कोई चीज़ का, या अदर लापरवाही कोई ने कर ली, या बेईमानी करी, या कोई चीज़ में मिलावट की, तो ये कोई भी चीज़ को कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता। या हमारे प्राइस में उतार चढ़ाव या कम हुई या ज़्यादा हुई, या डिमांड में बैलेंस बिगड़ गया, तो ये सब चीज़ें हैं तो क्या होंगी, वो अनिश्चितता को कोई भी रोक नहीं सकता। तो बिजनेस में क्या होता है, रिस्क तो लेना ही पड़ता है, इसलिए बिजनेस में नेचर ही है बिजनेस का कि उसमें हमेशा रिस्क पे रिस्क लेना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।